Hey guys, hello and welcome to another episode of Plagiarism and Music. Roll the intro. Four more. 4,000 subscribers और अपनी फैमिली हो जाएगी 1,00,000 की ब्रोज. So obviously बात है, अभी तक आपको पता चल ही चुका होगा कि लोगन पॉल कौन है. I really hate to say this. I think there's someone hanging right there. तो 23 नवंबर को लोगन पॉल ने उसके ऑफिशियल उसके प्राइमरी चैनल पे नो हैंडल बार्स ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो ये लॉन्च किया, ये रिलीज किया. अब सीन ऐसा है कि डेनवर बेस्ड ग्रुप फ्लोबॉट्स ने ढापोफाई का इल्जाम लगाया है लोगन पॉल पर उनका कोरस, जो उनका गाना है हैंडल बार्स, उसका कोरस ढापने के लिए. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. तो इन दोनों गानों में पहले कितनी सिमिलैरिटीज है वो देख लेते हैं. I can ride your girl with no handlebars. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. I can keep rhythm with no metronome, no metronome, no metronome. And I can see your face on the telephone, on the telephone, on the telephone. Cycling on your chick, la da da da. I've been cycling on your chick, la da da da. She been gripping on my crib, la da da da. इसपे फ्लोबॉट्स ने उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे काफी ट्वीट्स भी किए, पर अभी तक लोगन पॉल ने कुछ रिप्लाई नहीं किया. बट हमें एक अक्टूबर 24th का एक ट्वीट लोगन पॉल के चैनल पर दिखता है, जहां पे उसने ट्वीट किया है कि फ्लोबॉट्स डीएम मी ब्रूस. मैं ये वीडियो अभी एडिट करने बैठा और एंड आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट वन थिंग, कि जब लोगन पॉल ने कुछ रिप्लाई नहीं किया तो उसके बाद फ्लोबॉट्स ने एक डिस ट्रैक रिलीज की. दैट वाज एक्चुअली अमेजिंग. आई मीन ही फाउंड आउट दैट हिज सॉन्ग वाज प्लेजराइज्ड इंस्टेड ऑफ टेकिंग, लाइक आई नो वी ऑल नो कि ये बहुत सीरियस इशू है, बट स्टिल उसने एक डिस ट्रैक बनाया लोगन पॉल को रोस्ट करने के लिए. सुनो. Now, normally I'm pretty conflict avoidant. Just ignore shit if it's just annoying. I don't write a diss track about Stranger Things episode 7. I just be like, that's disappointing. Hey, look, this guy's covering handlebars. That's cool, what you're saying is bars. Instead of my bike, he says your girl. Oh, that's really clever. I won't hold it against him. Oh, really? Why not? Because he's just 21. Actually, he's 22. Oh, then that's disappointing. His name is Logan Paul. I don't listen to boy bands. Now, why you gotta do it like that? Took a nice track and abuse it like that with your stupid white rap. Follow my music, my path, but crash into an ice patch and it threw your ass back to the bougie heights that I presume you might have had, but I don't really know your music like that. I mean, I don't really know your movies like that. अब फिलहाल तो काफी controversial stuff में अटके हुए हैं Logan Paul, but he's going to make a comeback this Wednesday, according to the news. देखते हैं आगे कितने popcorn खाने मिलेंगे अपने को. वैसे सारे links, including tweets, description में हैं. चेक कर लो और कुछ और सिमिलर वाइब्स देने वाले गाने भी सुन लो. A little party never killed nobody. So we gonna dance until we drop, drop, drop. Put these on like this. Party rock, party rock. You got him in? What? Vitamins? Right here, right now is all we get. Skeet and bop. बोनस डक्स तो वैसे कुछ है नहीं, पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ स्टीवी वंडर व्हाट यू आर. यार ऑलरेडी दो एपिसोड्स में, आई गेस 3 एपिसोड्स में ये चीजें हमने कवर कर ली है,
पर मुझे भी पता नहीं और इसके कितने वर्जन हमें दिखाई देंगे। गोलमाल अगेन का आते जाते विच वॉज अ कवर सॉन्ग ऑफ मैंने प्यार किया का आते जाते विच वॉज अ ढापोफाइड वर्जन ऑफ स्टीवी वंडर का आई जस्ट कॉल्ड टू से आई लव यू। आई मीन रुको पहले रिविजन करते हैं। ना जाने तुम्हें है किसका इंतजार, I just called to say I love you. और एक वर्जन जो बीच में ऐसा हल्का सा स्लाइड होता है 1991 में रिलीज हुई मूवी जान की कसम जिसका गाना उसका नाम है आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू। आई मीन अगर ये नाम है तो गाना क्या होगा? आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू, आई जस्ट कॉल टू से। ओके आप रिसेंट वीडियोस पर ज्यादा लाइक नहीं कर रहे हैं तो आज का लाइक एम है 2500 लाइक्स का। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर करो यार इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है ना बॉस। 4000 सिर्फ 4000 दूर है अपनी फैमिली 1,00,000 के होने से। ऑल्सो बिफोर साइनिंग ऑफ जस्ट बिल्डिंग सस्पेंस फॉर नेक्स्ट एपिसोड। There's a writer, singer, जिस पर बड़ी केस लगी है रिसेंटली ढापोफाई की। कौन है वो? कौन हो सकता है वो? जानने के लिए सब्सक्राइब करिए भपाओगिरी को। Till then, be weird, stay awesome, peace out.